आईपीएल 2021 मैच नंबर 9 मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया घमासान मुकाबला। जी हां दोस्तों, आपको बताने वाले हैं इस मुकाबले की फर्स्ट इनिंग की पूरी जानकारी कि किस किसने कैच छोड़ी और क्या कुछ हमें खास देखने को मिला इस मुकाबले में। एक भी मेन गेंदबाज जो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से सफल नहीं हुआ, उसके बावजूद भी इतना कम रन क्यों बनाया मुंबई इंडियंस ने। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आप सभी के सामने हम रखने वाले हैं वो आंकड़े जिसको जानकर आप सभी हो जाएंगे दंग, क्योंकि वो आंकड़े अपने आप में ही हैरत अंगेज हैं जो सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस से ताल्लुकात रखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बिना किसी देरी के बात करते हैं मुंबई और हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले की फर्स्ट इनिंग के बारे में। फर्स्ट इनिंग में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाया। दोस्तों 150 रन में लास्ट के दो गेंदों पर आए वो दो छक्के बहुत शानदार थे। हमने देखा किस प्रकार से वो किरण पोलार्ड के शानदार दो छक्कों की बदौलत मुंबई इंडियंस की टीम ने 150 का आंकड़ा छुआ, वरना एक समय पर लग रहा था कि 140 के पास ही संतुष्ट करना होगा टीम को। सबसे पहले बात करते हैं टॉस और प्लेइंग 11 की। एम एच चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के इस मैदान में हमने देखा कि मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और वो करके दिखाया जो कप्तान कोई नहीं करने की हिम्मत रखता है। जी हाँ दोस्तों, हम महेंद्र सिंह धोनी को भी इसमें जोड़ेंगे क्योंकि कोई भी कप्तान हो ऐसे में स्टेडियम में सबसे पहले वो जीत कर गेंदबाजी का फैसला करता है, लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इसी वजह से दोस्तों ये टीम 5 बार डिफेंडिंग चैंपियन है, यानी कि 5 बार खिताबी विजेता है आईपीएल ट्रॉफीज की, क्योंकि ये रिस्क लेना जानती है और इस रिस्क के हिसाब से ही आगे अपने आप को निखारना भी जानती है। अब ऐसे में रोहित शर्मा का बड़ा फैसला ये था कि उन्होंने टॉस जीता और सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो फैसला बहुत खराब भी साबित हो सकता है बहुत सही भी, क्योंकि पहली इनिंग में 150 5 विकेट के नुकसान पर बनाया और हमें खासियत ये देखने को मिली कि ऊपरी दो क्रम के बल्लेबाजों को छोड़कर किरण पोलार्ड सिर्फ यही 3 बल्लेबाज अपने रंग में दिखे, बाकी सब एकदम फीके पड़े। सबसे पहले दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पर टीमें बहुत बदलाव करके साथ मैदान में आई थी, जहाँ मुंबई इंडियंस में आज एक बदलाव किया गया है दोस्तों। वो बदलाव है एक तेज गेंदबाजी को लेकर। तेज गेंदबाजी जो पहले मार्को जेंसन करते थे उनको बिठाकर एडम मिलाने को लाया गया है टीम में। तो एकमात्र बदलाव यहाँ पर क्विंटन डी कॉक जो पहले ही बदल गए थे क्रिस लिन से, वो बदलाव तो दूसरे मुकाबले हो गया था, लेकिन यह मुंबई के तीसरे मुकाबले में एडम मिलाने को जगह मिली है। अब ऐसे में जगह मिलना तो किस किस्मत की बात हो सकती है इस खिलाड़ी के लिए, क्योंकि ये खिलाड़ी अपना नाम बना सकता है वो भी 5 बार गत विजेता टीम से। दूसरी तरफ हैदराबाद की टीम 4 बदलाव के साथ मैदान पर उतरी थी। जी हाँ दोस्तों, चारों बदलाव में उम्मीद ये की जा रही थी कि केन विलियमसन की वापसी होगी, क्योंकि केन विलियमसन जैसा महान खिलाड़ी अब भी बेंच पर बैठा है, जिसने एक समय पर 2020 में ही एक एलिमिनेटर मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को अकेले दम पर जेसन होल्डर के साथ मिलकर जिताया था, लेकिन अब भी हैदराबाद की टीम उस खिलाड़ी को लिए कहीं जगह नहीं बना पा रही है। तो हमने देखा आज यहाँ पर एसआरएच की प्लेइंग 11 बदलाव ये था कि विराट सिंह को जगह मिली थी टीम में, साथ ही साथ खलील अहमद को जगह मिली थी, तो वहीं अभिषेक शर्मा को भी जगह मिली थी और मुजीबुर रहमान भी आज के मुकाबले में खेलते। दोस्तों टी नटराजन को बैठा दिया गया, जो कह सकते हैं कि एक बुरा फैसला भी हो सकता है। नटराजन यॉर्कर किंग के नाम से जाने जाते हैं, भले ही पिछले 2 मुकाबले में उन्होंने विकेट ना ली हो, लेकिन हाँ बल्लेबाजी सबका दिल जीत रहे थे। दूसरी तरफ वृद्धिमान शाह जो पिछले कुछ मुकाबलों से खराब बल्लेबाजी कर रहे थे उनको हटा दिया गया ओपनिंग से। तो यहाँ पर आज के मुकाबले में एसआरएच की ओपनिंग भी बहुत मजबूत दिख रही है। तो ये 4 बदलाव हमें दोस्तों हैदराबाद की टीम में दिखे, जहाँ पर बदलाव के साथ आपको प्लेइंग 11 बताएं तो डेविड वॉर्नर, जॉनी बेस्टो, मनीष पांडे, विराट सिंह, विजय शंकर, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समाद, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, मुजीबुर रहमान और खलील अहमद शामिल है। अब बात करते हैं बल्लेबाजी की, तो वहीं क्विंटन डी कॉक दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए रोहित शर्मा के साथ। ओपनिंग साझेदारी बहुत अच्छी साबित हुई क्योंकि ओपनिंग पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया टीम ने। छठे ओवर की तीसरी गेंद तक यहां पर 55 रन बटोर लिए थे, यानी कि 55 रन बटोर लिए थे रोहित और क्विंटन डी कॉक की जोड़ी ने, लेकिन पहली विकेट आई दोस्तों रोहित शर्मा के रूप में छठे ओवर की तीसरी गेंद पर, जब टीम का टोटल स्कोर 55 रन था, लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा की दोस्तों विकेट गिरी थी 32 रन पर, यानी कि उनका इंडिविजुअल स्कोर 25 गेंदों में 32 रन था। आज के मुकाबले में देखा जाए तो रोहित शर्मा ने 2 चौके 2 छक्के बटोरे जो बहुत शानदार थे। इनके चौके छक्के हमेशा ही हमारा सबका दिल जीत लेते हैं। दूसरे छोर पर क्विंटन डी कॉक लंबी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, आज के मुकाबले में भी उनसे उम्मीद थी, लेकिन शुरुआत में उन्होंने गलती ये की कि गेंदों का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया था। लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा की विकेट दोस्तों ना ही राशिद खान, ना ही भुवनेश्वर कुमार, ना ही मुजीबुर रहमान, ये 3 मेन गेंदबाजों ने नहीं ली, बल्कि एक पार्ट टाइमर गेंदबाज विजय शंकर ने ली, जो टीम के लिए खुशी की बात है कि विजय शंकर भी अब थोड़ी बहुत फॉर्म में आ रहे हैं। दूसरे छोर पर अब सूर्य कुमार यादव क्विंटन डी कॉक का साथ देने आए ही थे कि टीम का स्कोर यहां पर सिर्फ बन पाया था 71 रन 8 ओवर की तीसरी गेंद तक, और यहां टीम ने खो दिया था अपना दूसरा विकेट सूर्य कुमार यादव के रूप में, जिन्होंने 10 रन बनाए और 10 रन बाउंड्री से आए थे, यानी कि 1 चौका और 1 छक्का। 6 गेंदों में 10 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव भी वापस जाते हुए, इनकी विकेट भी बॉलर विजय शंकर ने ली थी और कैच भी खुद विजय शंकर ने ही पकड़ी थी। सूर्य कुमार यादव ने गलत शॉट खेला था जो सीधा विजय शंकर के पास गया, जिसकी वजह से दोस्तों विजय शंकर अपने आप से खासा नाखुश दिखे थे।
तो वहीं हमने देखा कि ईशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए आए क्वेंचन डिकॉक अभी दूसरे छोर पर नाबाद खड़े थे। लेकिन यहां पर ईशान किशन की खराब बल्लेबाजी कहेंगे, लेकिन उससे पहले बात करें क्वेंचन डिकॉक की वो विकेट के बारे में जो 13वें ओवर की 5वीं गेंद तक आया। 8वें ओवर की 3री गेंद तक टीम का स्कोर 71 रन था, लेकिन उसके बाद तो टीम कछुए की चाल चलने लगी, क्योंकि यहां पर 98 रन पर यानी 98 रन पर टीम का तीसरा विकेट गिरा। और ओवर की बात करें तो बहुत ज्यादा ओवर बीत चुके थे, 13वें ओवर की ये 5वीं गेंद थी जब क्वेंटन डिकॉक का विकेट गिरा। क्वेंटन डिकॉक खुद बहुत धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको लग रहा था कि अंत में रन बना लेंगे, लेकिन गलती ये हो गई कि उन्होंने बाकी गेंदबाजों को नज़रअंदाज किया और मुजीबुर रहमान ने उनकी विकेट लेकर दी कप्तान डेविड वॉर्नर को। 39 गेंदों पर 40 रन की पारी क्वेंटन डिकॉक ने खेली 5 चौके की मदद से। इनकी पारी में सचमुच बेहद बहुत बोर हो गए थे, क्योंकि एक भी छक्का देखने को नहीं मिला। जहां रोहित शर्मा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, सूर्य कुमार यादव की भी बल्ले से रन आ रहे थे, दूसरी तरफ ईशान किशन की जोड़ी और क्वेंटन डिकॉक की जोड़ी सचमुच बहुत उबाऊ लगी। ईशान किशन की बात करें तो ईशान किशन दोस्तों टेस्ट मैच खेल रहे थे, शायद इनको कोई बताना भूल गया कि ये आईपीएल का फॉर्मेट है, टी20 फॉर्मेट है, आपको तेज बल्लेबाजी करनी होती है, क्योंकि 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर टीम का 114 रन पर चौथा विकेट गिरा। दोस्तों 14वें ओवर तक 98 रन हो चुका था, उसके बाद लगातार 2-3 ओवर में कोई रन नहीं बने ज्यादा। 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर जब ईशान किशन का विकेट गिरा तो ईशान किशन बल्लेबाजी कर रहे थे 21 गेंदों में 12 रन का सामना करते हुए। सचमुच लानत आनी चाहिए उनको अपने ऊपर, क्योंकि ईशान किशन की खराब बल्लेबाजी टीम के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन इनकी विकेट मुजीबुर रहमान ने ली, पीछे खड़े विकेट कीपर बेस्ट ने इनकी कैच पकड़ी थी। ईशान किशन ने अपनी इस पारी में एक भी चौका एक भी छक्का नहीं लगाया और 57 का स्ट्राइक रेट था। भला हो इस इंसान का वेस्ट इंडीज के खूंखार खिलाड़ी का किरण पोलार्ड का, जो ये मैदान पर खड़े थे और 22 गेंदों पर 35 रन की पारी खेली थी किरण पोलार्ड ने। दोस्तों आपको जो आंकड़े बताएंगे हेड टू हेड मुकाबले के SRH वर्सेस MI के, वो आपको सचमुच दंग कर देंगे, क्योंकि उसमें नाम किरण पोलार्ड का है। किरण पोलार्ड ने आज के मुकाबले में 1 चौका 3 छक्का लगाया। हार्दिक पांड्या की विकेट खलील अहमद ने ली थी। खलील अहमद की 5वीं यानी कि हार्दिक पांड्या जब 5 गेंदों में 7 रन बना चुके थे तो कैच पकड़ी थी विराट सिंह ने, बहुत शानदार कैच थी इस खिलाड़ी की। इससे पहले दोस्तों एक विजय शंकर ने कैच छोड़ी थी जो सीधा हाथों में थी, लेकिन वो कैच छोड़ी दी और विराट सिंह ने ये खतरनाक कैच पकड़ी थी, ये शानदार कैच थी। कुरनल पांड्या 3 गेंदों पर 3 बना के नाबाद खड़े थे। बात करें सबसे अच्छी गेंदबाजी की, दोस्तों सबसे अच्छी गेंदबाजी आज विजय शंकर के द्वारा हुई। विजय शंकर ने दोस्तों सबको प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से, क्योंकि इस गेंदबाज ने 3 ओवर कराते हुए 19 रन दिए और सिर्फ 2 विकेट ले ली। मुजीबुर रहमान की भी अच्छी गेंदबाजी रही दोस्तों आज के मुकाबले में, खेलते दिखे 4 ओवर में 29 रन देते हुए 2 विकेट इन्होंने भी झटके। खलील अहमद ने 4 ओवर में 24 रन देते हुए 1 विकेट लिया। टीम के टोटल 5 विकेट गिरे थे तो वो कुछ इस प्रकार से गिरे। बात करें दोस्तों यहाँ हेड टू हेड मुकाबले की, हम बात कर रहे थे किरण पोलार्ड की, तो किरण पोलार्ड दोस्तों हमेशा ही घातक दिखते हैं हैदराबाद की टीम के खिलाफ। हम ये बात हवा में नहीं कह रहे बल्कि आपके सामने आंकड़े रखने वाले हैं। दोस्तों आपको आंकड़ों की अगर ले चलने तरफ तो हम देखते हैं किस प्रकार से अब तक दोनों टीमों के बीच 8-8 मुकाबले जीते जा चुके हैं, यानी कि टोटल 16 मैचेस हुए हैं जो इंडिया और आउटसाइड इंडिया के बाहर के, यानी कि विदेश में जो UAE और साउथ अफ्रीका में IPL हो चुके हैं उनके मैदानों की बात रखी जाती है। यहाँ बात करें दोस्तों किरण पोलार्ड की, तो किरण पोलार्ड हमेशा ही SRH के खिलाफ बहुत खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से। अब तक जितने भी मुकाबले SRH के खिलाफ हुए हैं उसमें टोटल 383 रन किरण पोलार्ड ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन डेविड वॉर्नर उनसे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं मुंबई इंडियंस के खिलाफ। 488 रन डेविड वॉर्नर ने जड़ रखे हैं। जसप्रीत बुमराह 12 विकेट लेते हैं, वहीं SRH की टीम से 16 विकेट लेकर भुवनेश्वर कुमार जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ खतरनाक गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आज भुवनेश्वर कुमार भी खाली हाथ साबित हुए। किरण पोलार्ड दोस्तों सबसे ज्यादा कैच पकड़ते हैं जब भी SRH की बल्लेबाजी होती है, तो वह सबसे ज्यादा कैच पकड़ी अभी तक SRH की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने, वो है 4 कैच और किरण पोलार्ड की 11 कैच। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये बताए गए आंकड़े बहुत दिलचस्प लगे होंगे, लेकिन रोहित शर्मा और क्वेंटन डिकॉक की अच्छी ओपनिंग के बावजूद टीम बहुत खराब रन पर टिक पाई। लेकिन अगर बात करें इनके पिछले मुकाबले की, तो कोलकाता नाइट राइडर के साथ इनका पिछला मुकाबला था, 152 रन बनाए थे टीम ने, लेकिन उसको भी चेस नहीं होने दिया, यानी कि टीम ने डिफेंड किया, इसी वजह से इनको डिफेंडिंग चैंपियन कहा जाता है। तो 150 रन भी है, लेकिन इनके पास अगर गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजों की इनके पास भी कमी नहीं है, क्योंकि इनके पास जसप्रीत बुमराह से लेकर ट्रेंट बोल्ट जैसे खतरनाक गेंदबाज हैं। आपको बता दें दोस्तों इनकी गेंदबाजी की लाइनअप, तो गेंदबाजी में हम भी देखते हैं राहुल चहर, कुरनल पांड्या, खुद किरण पोलार्ड, हार्दिक पांड्या भी गेंदबाजी करते हैं, एडम मिलाने अपना इस मुंबई की तरफ से पहला मुकाबला खेल रहे हैं, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर SRH की बहुत खतरनाक ओपनिंग हो गई है, क्योंकि डेविड वॉर्नर और जॉनी बेस्टो अब ओपनिंग की तरफ दिख रहे हैं, तो मनीष पांडे, विराट सिंह और विजय शंकर ये हमें मिडिल ऑर्डर में दिख रहे हैं। और अभिषेक शर्मा ने भी पिछले साल कुछ अच्छी पारियां खेली थी 2020 में, और अब्दुल समाद के बल्ले से इस साल भी और पिछले साल भी दोनों ही साल बहुत कम गेंदों पर ज्यादा रन की पारी देखने को मिलती है। जरूरत पड़ने पर राशिद खान भी और भुवनेश्वर कुमार भी बल्ला चलाना जानते हैं, यानी कि ये मुकाबला टक्कर का है, जिसकी वजह से अभी तक 16 मुकाबलों में 8 मैच जीती है
SRH और 8 मैच जीती है MI। नजरें रहेंगी दोनों ही टीमों पर कि कौन सी टीम अब ज्यादा बेहतर करके अपने इन आंकड़ों में सुधार करेगी और इस जीत के साथ एक दूसरे के खिलाफ आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब जो जीतेगी वो 9 मुकाबले जीत लेगी और जो हारेगी वो 8 मुकाबले पर ही रह जाएगी, यानी कि ये मुकाबला कांटे की टक्कर का है। IPL 2020 मैच नंबर 9 ये थी फर्स्ट इनिंग हाइलाइट्स की पूरी जानकारी। मिलते हैं फुल मैच हाइलाइट के साथ, साथ ही साथ आप हमारी लाइव चैट्स कमेंट्री में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।